सबसे पहले ब्लाउज का बैक पार्ट कट करने के लिए, यहाँ पे ये उन लोगों के लिए खास है जो टेलर होते हैं, जिनको दो कारीगर या तीन कारीगरों को कट करने के लिए देना होता है, तो उनको इस तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा है। ये नीचे आधा इंच का मार्जिन दे देंगे, और ये बैक ओपन ब्लाउज है तो यहाँ भी हम स्कन्नी को निकाल के फेंक देंगे, ये हमेशा प्रॉब्लम करता है। तो ये हमारा बैक का मार्जिन हो गया है, ये नीचे का। और अब हमारा जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ 13.5 इंच है, तो हम वहाँ पे एक निशान दे देंगे 1/2 इंच ऊपर सिलाई के लिए। तो यहाँ से हम इस मार्क को भी हम सीधा कर देंगे इस तरह से, और इसको भी। अब हमारा शोल्डर जो है 14.5 है, तो 7.25 इंच में हम एक मार्क देंगे। हमारा इसका बैक नेक जो डीप है वो 8 इंच है, और फ्रंट जो है 6 इंच है, तो हम यहाँ से शोल्डर को 2 इंच माइनस कर देंगे। उसके बाद में जो हमारा फिनिश शोल्डर होता है वो 1.5 इंच है, तो वो हम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद में हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे, नीचे को इस तरह से सीधा कर लेंगे, और इसको भी सीधा कर लेंगे। हमारा शोल्डर 14.5 था, और हमारा आर्म होल्ड जो है, जो रीगल है, वो हमारा 15 इंच है, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क दे देंगे। 6 इंच पे मार्क देने के बाद यहाँ से ये हम सीधा निशान दे देंगे, ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। उसके बाद जो हमारा बैक नेक है 8 इंच, तो हम 8 इंच पे एक निशान दे देंगे, और इसको हम स्केल की मदद से इसको भी हम सीधा कर देंगे, ये हम इस तरह से, और ये इस तरह से शेप दे देंगे। ये वाइड में है, इस तरह से हम इसमें एक शेप दे देंगे। हमारा जो कमर है वो 25 इंच है वेस्ट, तो हम 25 का यहाँ पे करेंगे 6.25, और 1 इंच यहाँ से हम एक मार्जिन दे देंगे, बैक टक के लिए होगा ये। हमारा चेस्ट है 32.75 इंच है, तो हम यहाँ से करेंगे 8.25 यहाँ से मार्क दे देंगे। अब हम इस मार्क को और इस मार्क को सीधा एक निशान दे देंगे, और इस तरह से ये मार्जिन का, साइड मार्जिन का। अब हम आर्म कट की मदद से यहाँ जो निशान है उसको इस तरह से कॉपी कर देंगे, ये देखिए। और अब हम इसका मेजर करेंगे कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 8 इंच, यानी हमारा 15 आर्म होल्ड है और ये 8 आ रहा है। हमें 1 इंच इसमें बढ़ा के रखना होता है, 16 करना है, तो ये हमारा करेक्ट आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा डार्ट पॉइंट है वो 8.5 है, तो हम 8.5 में एक निशान दे देंगे, और जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स है, यानी ये यहाँ पे हमारा 7.7 इंच पे है, तो यहाँ पे एक निशान दे देंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ में हम 3 इंच पे दे देंगे। ये हम क्या, हम प्रिंसेस कट करेंगे, तो अभी हम बैक में निशान दे देंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंसेस कट कट करने में आगे बहुत आसानी मिलेगी। तो इस तरह से निशान दे देंगे आप बैक में, ये अब आप बैक में इस तरह से निशान दे देंगे। ये बैक पार्ट है, और ये बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है, जिन लोगों को बहुत सारा कटिंग करना होता है उनके लिए। इसी तरह से यहाँ पे अब हम जो 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा दिया था वो यहाँ पर ले लेंगे। यह टक का मार्क ऊपर और नीचे होता रहता है, कभी ये ऊपर आता है कभी नीचे भी आता है, इतना नहीं आता है, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे, इधर पूरा इस मार्क पे कट कर लेंगे, और ये बैक साइड में जिधर हुक लगाते हैं इधर भी, ऊपर के भाग भी इस निशान से, आर्म होल्ड की साइड में इधर 1/2 इंच का मार्जिन देके कट कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करो। थोड़ा सा आप भी कट कर लीजिए। अब हमें इसका फ्रंट पार्ट कट करना है, तो हम इस तरह से इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे, ये देखिए, इस तरह से इसको ऐसे बिछा लेंगे, और ये जो हमारा भाग है, ये जो मार्जिन है, इसको इधर निकाल देंगे। क्या करना है, यहाँ से
इस तरह से यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखते हैं। यहाँ पे बैक से हमेशा फ्रंट को 1 इंच ज़्यादा ही काटना चाहिए, उससे आपका फिटिंग बहुत अच्छा आता है। अब हमें क्या करेंगे, ड्रेसिंग व्हील की मदद से इस वाले मार्क को नहीं, अभी इस वाले मार्क को हम सीधा कॉपी करेंगे। यहाँ ये देखिए, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ से भी इसको मैं सीधा कट कर दूंगा। ये देखिए, और ये जो हमारा डार्ट पॉइंट था वो यहाँ पे भी हम एक मार्क दे देंगे। इसके बाद हमें यहाँ ये हमारा कटिंग के लिए है, यहाँ एक मार्क दे देंगे और यहाँ से हम सीधा हमारा जो फ्रंट नेक है उसका लंबाई करेंगे। तो फ्रंट नेक हमारा 6 इंच है, तो 6 इंच पे हम एक मार्क दे देंगे और इसको हम यहाँ से करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको हटा लेंगे और ये हमारा यहाँ हो गया इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अभी हमें ये जो मार्जिन है इसको यहाँ से जितना हमें सिलाई लेना है साइड, ये मार्जिन के लिए दूसरा जो हमें साइड का पीस जोड़ना है उसके लिए हमें इस तरह से मार्जिन देके कट कर देंगे। और इसको ये कट करने के लिए ये यहाँ से इसको नोचिस दे देंगे एक, ये हमने एक कट लगा लिया है। और अभी हमें इसका साइड का पार्ट कट करना है, तो हम साइड का पार्ट यहाँ से हम यहाँ पे कपड़े को लेंगे और ये जो हमारा साइड वाला जो पीस है उसको हम इस तरह से यहाँ रखेंगे। यहाँ इसको रखने के बाद यहाँ से इसको सीधा कॉपी कर लेंगे, इस निशान को, इस तरह से इस निशान को सीधा कॉपी कर लेंगे और इस निशान को भी इस तरह से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से भी इसको कॉपी कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको अलग रख देना है और जो हमारा मार्जिन के लिए था उसको हम यहाँ से और यहाँ से इसको एक सीधा निशान दे देंगे। उसके बाद जो हमारा ये जो फ्रंट भाग पार्ट है इसको हम ले लेंगे, यहाँ से ये देखेंगे, ये जो है ना हमारा जो यहाँ से कितना बाकी है, 3.5 इंच है, तो हम यहाँ से 3.5 को इधर बाहर निकालेंगे और उसके बाद जो हमारा बस्ट है वो हम कितना है वो रखना है, तो हमारा 33 है, 33 पे एक निशान दे देंगे। उसके बाद हमारा जो वेस्ट है वो कितना है, यहाँ से हम 3 इंच माइनस करेंगे, ये 3 है, 3 इधर निकाल देंगे और 25 है, तो 25 में एक निशान दे देंगे। और इसके बाद स्केल की मदद से हमें यहाँ इस तरह से स्केल की मदद से इसे रखकर और एक निशान दे देंगे और उसके बाद यहाँ से एक शेप देते हुए इसमें लेके आएंगे। ये पतले लोगों के लिए शेप है। अब हमें क्या करना होगा, ये इसको देखना है हमें, इस तरह से रखकर देखेंगे इस तरह से, तो ये यहाँ से आ रहा है और उसके बाद यहाँ इसको इधर रखेंगे तो ये बराबर आ रहा है। अभी एक यहाँ भी चेक कर लेंगे तो यहाँ भी बराबर आ रहा है, 8×32 और 1.5 इंच यहाँ से ये बराबर है, तो ये करेक्ट है, यानी ये परफेक्ट है। तो अभी हमें क्या करना है, बैक को एक बार और इस तरह से ऐसे चेक कर लो, यहाँ आ रहा था तो यहाँ से आप कट कर लेंगे। अभी क्या करना है, यहाँ से इसको नीचे के पार्ट को कट करेंगे,
और ये साइड के पार्ट को कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें कितना मार्जिन लेना है उसको इस तरह से कट करना है। यहाँ पे इसको हम फिक्स ही कट करेंगे क्योंकि हमारे मेशर से ये फिक्स में है, तो ये इसको फिक्स कट कर देंगे। और यहाँ पे एक नोचिस भी दे देंगे, एक नोचिस दे देंगे। अभी हमें इसके बाद इसका स्लीव कट करना है। स्लीव के लिए अब हम इस कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से, और हम इसे स्केल की मदद से या निशान देंगे। सबसे पहले ये ख़राब कपड़े को निकाल देंगे और 1.5 इंच हम फोल्ड करने के लिए रखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से इसका स्लीव का जो हमारा फुल लेंथ है, फुल लेंथ हमारा 11.5 इंच है, तो 11.5 पे हम एक निशान दे देंगे। यहाँ 11.5 पे हम एक दे देंगे। उसके बाद में जो हमारा बाइसेप था, हमने जहाँ से स्लीव स्टार्ट हुई है और वहाँ नीचे तक, यहाँ 5 इंच के नीचे जाके हमने एक शेप मेशर करते हैं, वो जिसको बाइसेप बोलते हैं। बाइसेप का जो राउंड है हमारा वो 12 इंच है, तो हम 12 इंच पे भी एक निशान दे देंगे। और स्लीव राउंड 10 इंच है, तो 10 इंच पे एक निशान दे देंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से एक 16 इंच तक हमें एक इस तरह का शेप देना है। ऐसे चेक करके देखेंगे और आप इस तरह का शेप दे देंगे। अच्छा सा 16 इंच आर्म होल्ड है, तो एक दो सूत और ज़्यादा देंगे स्लीव के लिए, क्योंकि दो सूत देने से स्लीव एक कोट की तरह बहुत अच्छा बैठता है। अब हमें क्या करना होगा, अगर ये निशान इधर है तब तो हम स्केल की मदद से ऐसे लगा देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें एक अच्छा शेप देने के लिए यहाँ से लगाएंगे हम इस तरह से। अभी ये हमारा जो कैफ हाइट है वो 3.5 इंच हो गया, 3 इंच हो गया है। और इसके बाद हम ये देखिए इस तरह से पहले आर्म होल्ड है 16 इंच और 1/2 इंच, थोड़ा 1/2 इंच स्लीव ज़्यादा होती है तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है इससे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए कट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी इस तरह से हम कट कर देंगे। यहाँ एक नोचिस दे देंगे और यहाँ भी एक नोचिस दे देंगे। इसके बाद यहाँ इसको हम ड्रेसिंग व्हील की मदद से इस तरह से निशान को सीधा कॉपी कर लेंगे तरह से। ये देखिए इस तरह से कॉपी कर लेंगे, और फ्रंट के भाग में हम एक गहरा सा पीस को कट करेंगे तो इस तरह से। कट करने के बाद यहाँ एक नोचिस दे देंगे कारीगर को पहचान के लिए क्या फ्रंट भाग कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है। तो देखिए ये बहुत आसान तरीका और बहुत जल्दी से कट करने वाला ये एक पैटर्न है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।